Hi guys. Welcome to my YouTube channel, MH4 Network. Please subscribe my channel, also don't forget to click bell icon. Thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assistant in Punjab Police Department, आज का ये होने वाला पेपर है. इसके मेरे पास तकरीबन 88 क्वेश्चंस हैं और तमाम क्वेश्चंस वेरीफाई करने के बाद अपलोड किए गए हैं. हाउ मैनी स्केयर मीटर इन 1 किलोमीटर स्केयर. 1 किलोमीटर स्केयर में 10 लाख स्केयर मीटर होते हैं, स्केयर किलोमीटर होते हैं. द लेटेस्ट एंटी मिलिटेंसी मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान वो है रद्दुल फसाद. रेड लेक इज़ इन, ये है यूएसए में. द नेम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट टाइम इशूड बाई चौधरी रहमत अली इन 1933, ये था लिखा, ये दिया था नाउ और नेवर में. अर्थ रोटेट कम्प्लीटली इन अबाउट इट्स एक्सिस 23 hours 56 minutes and 4 seconds. वैक्सीनेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई एडवर्ड चैनर. द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंटिनेंट ऑफ द पाकिस्तान वो है सिंध. एट दी ईदी फाउंडेशन वॉज वर्ल्ड लार्जेस्ट, इसके दो ऑप्शन क्लोज थे, एक था वॉलंटियर कम्युनिटी और दूसरा था एम्बुलेंस सर्विस. इसका राइट आंसर है एम्बुलेंस सर्विस. रिलीजन ऑफ अरब बिफोर इस्लाम, इसके ऑप्शन थे बुद्धाइज्म, यूएश एडोलिट्रम और क्रिश्चियनिटी. इसका राइट आंसर था आइडोलेट्रस, यानी कि बुतों की पूजा करते थे इस्लाम से पहले. द नेम ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो मैनी टाइम्स इन होली कुरान, इसका राइट आंसर था 4. विच प्रॉफर्ट हैज़ मिनिमम एज, इसका राइट आंसर था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. चीफ एग्जेक्टिव ऑफ अफगानिस्तान वो था अब्दुल्ला, अभी भी हैं ये. विच आर्टिकल डील विद द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, इसका राइट आंसर था आर्टिकल नंबर 251. रिवर नाइल फ्लो इन विच सिटी, सिटी पूछा गया था, सिटी है कायरो. कैदी आजम रिज़ाइन फ्राम कांग्रेस, कांग्रेस से रिज़ाइन किया था 1920. रेनफॉल को मेयर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ये पूछा गया था. इसका राइट आंसर है रेन गेज. विच MS एक्सेल फंक्शन यूज टू काउंट एटम, ऑप्शन थे इसका सम, एवरेज या काउंट. इसका राइट आंसर था काउंट. विच ऑफ फॉलोइंग इज मेटल, ग्रेफाइट या मरकरी, इसका राइट आंसर था मरकरी. फिजी का कैपिटल था सुवा. जवेद इकबाल इज़ अ चेयरमैन ऑफ, ये चेयरमैन थे नैब के, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो. फर्स्ट गुल्फ स्टेट टू रिकनाइज इसराइल, पहली गुल्फ स्टेट जिसने रिकनाइज किया था वो है कतर 1996 में. PCO स्टैंड फॉर, पाकिस्तान से रिलेटेड था ये, पाकिस्तान में PCO क्या मतलब है. प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर. फेमस गजवा इज मेंशन्ड इन सूरह अल इमरान, सूरह अल इमरान में गजवा बदर का जिक्र है. अर्थ एटमॉस्फेयर डेट कैन अब्जॉर्ब सोलर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, उसका राइट आंसर था ओजोन. गुलबदन बेगम रिलेशन विद हमायूं, गुलबदन बेगम जो है ये हमायूं की सिस्टर है. रिवर इन कनाडा, इसके ऑप्शन थे मैकेंजी, फ्रेजर रिवर, नेल्सन रिवर या ऑल ऑफ दीज. इसका राइट आंसर था ऑल ऑफ दीज. फर्स्ट पाकिस्तानी डॉक्टर वो डाइज ड्यू टू कोरोना वायरस, उसका नाम था उसामा रियाज. पैरामिड ऑफ गीजा कहाँ पे है, इसका राइट आंसर है इजिप्ट. डीपेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड, ये थी लेक बाइकल. लार्जेस्ट ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का पूछा था, उसका राइट आंसर था लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर. हार्ट ऑफ कंप्यूटर, वैसे तो CPU कहते हैं लेकिन CPU का ऑप्शन नहीं था तो राइट ऑप्शन बना था माइक्रो प्रोसेसर. विच कंट्री इज कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक, इसका राइट आंसर था जापान.
विच विंडो हैज नॉट अ स्टार्ट बटन? स्टार्ट बटन विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता. ट्रेड इन विच नो टैरिफ इम्पोज ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट. इसका राइट आंसर था फ्री ट्रेड. द ओल्डेस्ट रिवील्ड बुक या फर्स्ट बुक वो है तुरात. टू पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स. इसका राइट आंसर था टू डू थिंग्स इन रिवर्स ऑर्डर. स्टैनले वोल्पर्ट फेमस, ये कैद आज़म से की वजह से फेमस था क्योंकि इसने किताब लिखी थी जिना ऑफ पाकिस्तान. वंस इन ब्लू मून, रेयरली ओकेजंस. विच कंट्री अलाउ वुमन टू ड्राइव अलोन. इसका लास्ट ऑप्शन था नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें सऊदी अरेबिया नहीं था तो इसका राइट ऑप्शन था सऊदी अरेबिया. नॉट वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल. जो वैलिड नहीं है वो है 500, क्योंकि ये परसेंटेज होता है 10% से लेकर 400% तक होता है और 500% इसमें शामिल नहीं होगा. विपो स्टैंड फॉर, विपो कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. दयामीर भाषा डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर. इसका राइट आंसर था इंडस रिवर. अवर कुकिंग ऑफ फूड से इसे अवॉइड करना चाहिए. क्वेश्चन कुछ इस तरह कर था. इसके ऑप्शन थे रिड्यूस लेवल ऑफ न्यूट्रिशन या इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन या इट इज़ डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. इसका राइट आंसर था रिड्यूस लेवल ऑफ न्यूट्रिशन. अल इत्कान फी अलूम अल कुरान, ये किताब किसने लिखी है. इसका राइट आंसर था इमाम जलालुद्दीन सोसूती. एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हेड पूछे गए थे. इनके हेड हैं मोहम्मद नईम. एंजला मार्कर बिलोंग टू विच कंट्री. इसका राइट आंसर था जर्मनी. 18th नेम स्मिथ हेल्ड इन, 18वीं नेम की जो स्मिथ है नॉन अलाइन मूवमेंट की, ये हुई है बक्कू, यानी कि आजरबैजान. आजरबैजान का कैपिटल है बक्कू. अकोसमोब डैम इज इन, अकोसमोब डैम ये है घाना में. नेम द किंग एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. बंगाल की पार्टीशन जो 1905 में हुई थी, उस पूछा कि किंग कौन सा था. किंग था जॉर्ज पंजम. शायद ये किताब थी, किसने लिखी है. इसका राइट आंसर है जॉन एलिया. नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन है 3x-15-6=2. इसको हमने सिंप्लीफाई करना था. इसका राइट आंसर बनना था 7. इसके बाद सीरीज को मुकम्मल करना था 3, 4, 7, 8, 11, 12. इसमें हमने एक नंबर को छोड़ कर, जैसा कि 3 के बाद हम चले जाएं 7 पे, 7 के बाद 11, इनमें 4-4 का फ़र्क है, तो 11 में 4 जमा करने से आंसर आएगा 15. इसके बाद नेक्स्ट सीरीज थी 58, 52, 46, 40, 34. इन सब में 6-6 कम हो रहे हैं. जब 34 में से 6 हम कम करेंगे आंसर बन जाएगा 28. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कोई मुकम्मल पता नहीं है, लेकिन इसका कुछ ऐसा था कि ख्वारजी बैटल. ख्वारजी बैटल कहते हैं बैटल ऑफ नहरवान. स्टडी ऑफ स्पाइडर्स इज कॉल्ड. स्पाइडर्स की स्टडी को कहा जाता है आर्चनोलॉजी. चिंगपिंग डैम इज इन. चिंगपिंग डैम ये था चाइना में. जकोब जुमा इज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री. जकोब जुमा ये प्रेजिडेंट है साउथ अफ्रीका का. चैरिटी बिगिंस एट होम के दुरुस्त मतलब का इंतखाब करें. इसका राइट आंसर था अव्वल ख्वेश बाद दरवेश. इसके साथ ये क्वेश्चन था बाग बाग होना. बाग बाग होना का सही आंसर था बहुत खुश होना.